केएल राहुल के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। और आपको बता दें कि केएल राहुल काफी समय से भारतीय टीम से बाहर हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से वो मैचेस नहीं खेले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज था उसमें नहीं थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सीरीज इस समय इंग्लैंड के खिलाफ हमारी चल रही है, यहां पर भी केएल राहुल टीम के लिए अवेलेबल नहीं है और उनकी कमी खली भी है टीम को। लेकिन अच्छी खबर यह आ रही है कि केएल राहुल ने जो सेशंस हैं, नेट सेशन जिसको हम कहते हैं, लाइट नेट सेशन जो है वो उन्होंने शुरू कर दिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में। ये उनका होम ग्राउंड भी है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां पर ऑलरेडी नेट सेशन की शुरुआत केएल राहुल ने कर दी है। हालांकि ये फुल फ्लो सेशन नहीं है, यानी कि काफी तेज गेंदों का सामना नहीं कर रहे हैं, जस्ट नॉकिंग जिसको कहते हैं क्रिकेट में कि आप हल्के फुल्के नॉक करते हो गेंदों को, अपने आप को तैयार करते हो एक बड़े सेशन के लिए। तो कम से कम उसकी शुरुआत केएल राहुल ने कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी फुल सेशन करेंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि इट मे बी पॉसिबल, अगर चयनकर्ताओं को लगेगा तो एशिया कप में केएल राहुल की वापसी हो सकती है टीम में। एशिया कप से केएल राहुल हो सकता है कि टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल यह कि ओपनर को लेकर इतने सारे हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए, ईशान किशन को खिला लिया, ऋषभ पंत को खिला लिया, अब वेस्ट इंडीज में ना जाने कौन ओपन करेगा। एंड देन अब कहा जा रहा है कि केएल राहुल एशिया कप में आएंगे। आई होप सो कि अगर आए तो फिर बल्ला चले केएल राहुल का और वही फिर कंटिन्यूअसली भारतीय टीम के लिए ओपन करे, क्योंकि ये कंफ्यूजन भारतीय टीम को बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन फिट हो जाएं केएल राहुल, बड़े खिलाड़ी हैं ये हम सब उम्मीद करते हैं, और बड़े मैच में रन बना दे भारतीय टीम के लिए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जितने भी केएल राहुल के फैंस हैं वो खुश हो जाइए और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन की शुरुआत उन्होंने कर दी है, प्रैक्टिस की शुरुआत उन्होंने कर दी है और उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले मैचेस में केएल राहुल के बल्ले से रन भी निकलें।